नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सेकंड कार्नेटिक वॉर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इसको एज ए मूवी की तरह समझने की कोशिश कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन्स स्टूडेंट्स को इसमें हो जाता है। कई सारे नाम हैं, कौन किसको, कौन किसका दामाद, कौन किसका बेटा, कौन किसका भतीजा, तो ये कन्फ्यूज़न होता है। तो आप अभी इस समय इसको एज ए मूवी, जैसे आपकी मूवी आई थी धूम 2, धूम 3, चाहे टर्मिनेटर, आपका एक्समैन आता है, कई सारे सीरीज़ आते हैं, तो वैसे ही कार्नेटिक वॉर्स की एक समझ लीजिए सेकंड आपकी मूवी, एक सिक्वल आ रही है। इस तरीके से आप इसको समझिए। पहले तो ये समझिए, चली ये कार्नेटिक वॉर जो है हुई कब, चली कब से कब तक। तो 1749 से 1754 तक ये आपका लड़ाई का ये जो टाइम था, टाइम पीरियड था, ये अनऑफिशियल वॉर था। अनऑफिशियल वॉर बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच एक अनऑफिशियल वॉर था। क्यों था? क्योंकि 1748 में आपका एक्स लॉ चैपल की ट्रीटी हो गई थी, उसमें सब कुछ संधि हो गया था कि अब कोई आगे लड़ाई नहीं होगा, जो जैसा है वैसे सबको लौटा दिया गया था। मद्रास ब्रिटेन को लौटा दिया गया था, और बाकी जो अमेरिका में जो भी टेरिटरीज फ्रेंच का ब्रिटेन ने कब्जा किया था वो फ्रेंच को लौटा दिया गया था, और अनवरुद्दीन ऐसे अपने अपने जो भी कर्नेटिक के रूलर बने हुए थे बने रह गए थे, लेकिन फिर भी अपनी सुपीरियोरिटी को दिखाने के लिए और अपनी साम्राज्य के विस्तार की लालच ने कंपनीज को एक मतलब प्रभोक किया एक कि हम इसमें इंटरफेयर करें और अपना जितना जल्दी हो सके अपने विस्तार को, मतलब अपनी कंपनी को बढ़ा सके, पॉलिटिकली यहाँ पे कंट्रोल कर सके। तो ये हो गया आपका फ्रेंच और ब्रिटिश का अनऑफिशियल वॉर। तीसरा चीज, ये ख़त्म कहाँ होता है? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में, इसमें फिर बाद में फाइनली एज यूजल जो जैसे था वैसे फाइनल डिसीजन लेते हैं कि इंडिया के इंटरनल मैटर्स में ये लोग इंटरफेयर, कंपनी इंटरफेयर नहीं करेगी, यही आपका होता है। अब इसको समझते हैं, इसमें दो आपके मुख्य किरदार और हैं, स्पेशली फ्रेंच और ब्रिटिश की तरफ से देखा जाए। एक डुप्लेक्स जो फ्रांस के गवर्नर जनरल होते हैं, एक तरफ से इनको फ्रांस फादर ऑफ डिप्लोमेसी कहा जाए, अपनी बहुत बेस्ट डिप्लोमेटिक पॉलिसी से आगे बढ़ते जा रहे थे हर जगह। एक तरफ से कहा जाए तो दो राज्यों की लड़ाई एक तरफ से चल रही थी उत्तराधिकार की, एक हैदराबाद दूसरा कर्नाटक, और दोनों जगह ये अपना प्रभुत्व कायम करने में सफल हो जाते हैं। कौन? डुप्लेक्स। और दूसरा ब्रिटेन के एक बहुत ही दिमाग के तेज आपके आते हैं, इनकी एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव, बाद में ये बंगाल के गवर्नर भी बनते हैं बंगाल प्रेसिडेंसी के, लेकिन यहाँ पे इस टाइम ये सिर्फ एक नॉर्मल क्लर्क के इनका एक पोजीशन रहता है, या हेक्टर कह सकते हैं, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री में हेक्टर लिखा हुआ है, हेक्टर के पोजीशन पर रहते हैं, लेकिन फिर इन्हें कैप्टन बना दिया जाता है, और धीरे धीरे ये दिमाग से बहुत तेज रहते हैं, और इन्हीं की मतलब स्ट्रेटजी कहीं ना कहीं फाइनली ब्रिटेन को इंडिया में अपने जो भी कॉलोनीज को बनाने में, अपने साम्राज्य को विस्तार देने में काफ़ी मदद करती है। तो दोस्तों ये हो गया। अब समझते हैं, यहाँ पे दो आपके मेन राज्य हैं, दो रियासत हैं आपको, एक हैदराबाद और दूसरा कर्नाटक, कर्नाटिक, ये समझ लीजिए। 1748 में निजामुल मुल्क जो इनके राजा होते हैं, अशफ जाह, निजामुल मुल्क, अशफ जाह निजामुल मुल्क इनका पूरा नाम रहता है, थोड़ा नाम याद करने में थोड़ी परेशानी होती है, आप निज़ाम भी बोल सकते हैं, निजामुल मुल्क, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब इसके उत्तराधिकार के तीन दावेदार होते हैं, पहला नाजिर जंग, दूसरा महफूज जंग, मुजफ्फर जंग, और तीसरा
जिनका हम जो बाद में फाइनली इनको निजाम बना दिया जाता है वो है सलाबत जंग। नाजिर जंग निजामुल मुल्क के बेटे रहते हैं, सन दूसरे बेटे होते हैं ये, और मुजफ्फर जंग होते हैं ये इनके सन इन लॉ होते हैं। निजामुल मुल्क जो असफ जाह के ये पोते होते हैं, बेसिकली पहले बेटे के ये बेटे होते हैं। तो रूल के हिसाब से इनको वहाँ का राजा बनना था, निज़ाम बनना था, लेकिन नाजिर जंग जो होते हैं अपने सुपीरियरिटी दिखाते हुए ये वहाँ की गद्दी पे बैठ जाते हैं। फाइनली ही बिकेम द किंग, रूलर, चाहे निज़ाम बोल दीजिए, ठीक। इनिशियली ये निज़ाम बन जाते हैं हैदराबाद के। अब कार्नेटिक का देखिए, समझिए आप। दोस्त अली पहले कार्नेटिक के मेन आपके जो रूलर रहते हैं, ये 1740 में इनकी एज़ पर विकिपीडिया अगर देखेंगे तो इनकी मृत्यु 1740 में हो जाती है। घटना 1749 के समय की है। तो इस टाइम क्या होता है, 1744 से 1748 तक आपके जो मेन राजा होते हैं, 1744 से जो गद्दी पर बैठे हुए उनका नाम अनवरुद्दीन है, सॉरी अनवरुद्दीन ही इज़ द, ये इस टाइम इस सिचुएशन में यहाँ के रूलर ऑफ कर्नाटक हैं। दोस्त अली की मृत्यु के बाद दोस्त अली के जो दामाद हैं इनका नाम है चंदा साहब, ये इनके दामाद हैं, सन इन लॉ। ये क्लेम करते हैं कि मुझे कर्नाटक का यहाँ का राजा बनना है, यहाँ का सुल्तान, यहाँ का राजा, यहाँ के रूलर मैं रहूँगा, और इसी की रंजिश होती है। अब इसमें यहाँ पे कंपनी की इंटरफेरेंस होती है। फ्रांस डुप्लेक्स अंडर द गाइडेंस ऑफ डुप्लेक्स सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे मैं डुप्लेक्स लिख देता हूँ, आप फ्रांस भी, ये सपोर्ट करते हैं मुजफ्फर जंग का जो कि हैदराबाद में अपना क्लेम करते हैं कि मुझे यहाँ का निजाम बनने देना है, और दूसरा कार्नेटिक में सपोर्ट करते हैं ये चंदा साहब का। ब्रिटिश सपोर्ट करती है, ब्रिटेन, सॉरी, ये यहाँ पे इस टाइम गवर्नर जो रहते हैं ब्रिटेन के सैंडर्स होते हैं, सैंडर्स होते हैं, ठीक, यहाँ के जो गवर्नर जनरल होते हैं कंपनी की तरफ से, ये सपोर्ट करते हैं नाजिर जंग का। बोलते हैं कि हम आपको सपोर्ट, कुछ भी होगा, लड़ाई होगा तो हम आपका सपोर्ट करेंगे, डिप्लोमेटिकली ये बोलते हैं, कन्विंस करते हैं। अच्छा, अंग्रेज़ों की आदत होती है कि बोलते तो ज़रूर है लेकिन मेन जब लड़ाई होता है तो कई बार पीछे हट जाते हैं। अभी आप देख रहे होंगे रिसेंट जो चीज़ें घट रही हैं इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में, तो इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं फ्रांस के साथ मित्रता को ज़्यादा, मतलब सब आपका मतलब प्रायोरिटी दे रहे हैं, क्योंकि डुप्लेक्स जो है जो सपोर्ट करते हैं तो पूरा मिलिट्रली पूरा सपोर्ट करते हैं यहाँ पे अगर देखेंगे तो। हालांकि ब्रिटेन भी सपोर्ट करता है लेकिन बहुत बाद में, पहले तो ये मतलब फुल्ली सपोर्ट नहीं करते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उसका आउटकम मैं बताता हूँ क्या होता है। दूसरा अनवरुद्दीन, क्योंकि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में भी अनवरुद्दीन की लड़ाई हुई रहती है और ये डुप्लेक्स से हार गए रहते हैं, बुरी तरह हारे रहते हैं। सेंट थॉमे में जो लड़ाई हुई रहती है आपकी अडयार रिवर के पास, क्योंकि इनकी जो सेना होती है ये 10,000 सैनिक होते हैं, और डुप्लेक्स जो होते हैं, जो कैप्टन पैराडाइज होते हैं, इनके जो सैनिक होते हैं वो उस टाइम फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में सिर्फ 1,000, 950 सैनिक होते हैं, वो इनको हरा दिए रहते हैं, और इसकी एक रंजिश अंदर में खुनिस तो बनी ही रहती है। और इसमें जब लड़ाई यहाँ पे चंदा साहब अटैक करते हैं जब, तो फिर ये लड़ाई आपकी होती है, तो जिसमें ये लड़ाई आपकी कहाँ होती है, वेल्लोर, वेल्लोर के पास अम्बोर, अम्बोर की लड़ाई के नाम से ये फेमस है। 1749 में लड़ाई होती है अम्बोर की लड़ाई, वेल्लोर के पास ये अम्बोर की लड़ाई के नाम से जानी जाती है युद्ध, और यहीं से आपका सेकेंड कार्नेटिक वॉर शुरू होता है।
इस लड़ाई में अनवरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है और फाइनली चंदा साहब को रूलर बना दिया जाता है। कहाँ का? कर्नाटक का। फ्रांस धीरे धीरे आपका मसूलीपट्टनम उड़ीसा तक अपने अपने जो कोठी होते हैं उसको विस्तार करते हैं, अपने ट्रेड को विस्तार करते हैं। अब इसी में जो लड़ाई होती है आपकी नाजिर जंग की लड़ाई होती है मुजफ्फर जंग के बीच। डुप्लेक्स सपोर्ट करते हैं मुजफ्फर जंग का, नाजिर जंग का ब्रिटिश सपोर्ट करते हैं लेकिन फुल्ली सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये नाजिर जंग की मृत्यु हो जाती है। कहाँ होती है? हैदराबाद में। अब डुप्लेक्स क्या करते हैं, मुजफ्फर जंग को वहाँ का निज़ाम बना देते हैं। एक काम और ये करते हैं क्योंकि डिप्लोमेटिकली काफ़ी इनका दिमाग बहुत तेज चलता है, अपने फ्रेंड इनका एक बुस्ती रहता है इसको भेजते हैं कि आप इनको समझाइए और ये अगर हमारे तरीके से अगर ये काम करेंगे, हमारे जो जैसा हम कहेंगे वैसा ही अगर ये करेंगे तो इनको यहाँ का निज़ाम बनाइए नहीं तो इनको मार दीजिएगा। तो फाइनली धीरे धीरे क्या होता है कि एक, हालांकि आप कुछ हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि आपसी रंजिश में ये मार दिए जाते हैं, लेकिन बुसी जो है इनको मनाते हैं, ये मना कर देते हैं कि हम आपके तरीके से काम नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंटली अपना काम करेंगे, जो हमें सही लगेगा वही हमें करना है। तो बुसी क्या करते हैं, मौका देख के इनको मार देते हैं। और फाइनली जो जिनको आपको मिलता है हैदराबाद का, ये तीसरे बेटे रहते हैं इनके, सलाबत जंग, ही बिकेम द निज़ाम ऑफ हैदराबाद। इतना तक मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब इधर बढ़ते हैं, आपको अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई, अब इनका बेटा है मोहम्मद अली, ये क्या करता है, भागकर शरण लेता है तिरुचिनोपल्ली में, वहां के किले में जाके ये फाइनली अपने आप को छुपा लेता है। सेना भी इसके साथ कुछ टुकड़ी रहती है। चंदा साहब यहाँ पे जीत गए हैं, ये फाइनल डिसीजन लेते हैं, पूरी सेना लेके आ जाते हैं तिरुचिनोपल्ली मारने के इरादे से, विथ हिज आर्मी, इंटायर आर्मी के साथ ही आ जाते हैं कि इनको घेर लेते हैं कि इनको मारना ही है मुझे। तो फाइनली यहाँ पे एक शख्स जो ग्रेट माइंड निकल के सामने आता है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, अब अच्छा, कर्नाटक की जो यहाँ के इसका जो कैपिटल होता है वो आर्कोट होता है, ये भी याद रखिएगा। द कैपिटल ऑफ कर्नाटक वाज आर्कोट। ये आर्कोट छोड़ के आए रहते हैं यहाँ पे तिरुचिनापल्ली में, यहाँ पे पूरा चारों तरफ से घेरे रहते हैं मोहम्मद अली को, पूरी सेना लेके आए रहते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव कैप्टन, या जो आपके सैंडर्स होते हैं, सैंडर्स को ये बोलते हैं कि आप जो है क्यों ना हम इस लड़ाई को डाइवर्सिफाई किया जाए, डाइवर्सिफिकेशन वॉर का एक मतलब मंत्र देते हैं आपके जो गवर्नर होते हैं सैंडर्स उनको। सैंडर्स कहाँ के गवर्नर होते हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर होते हैं। तो उनको ये एक तरफ से सजेस्ट करते हैं कि हम अगर आर्कोट में जाके वहाँ पे कब्जा कर लें तो एक तरफ से यहाँ की जो चंदा साहब की जो आर्मी है, चंदा साहब जो है कहीं ना कहीं इनका दिमाग जो है कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई हो जाएगा और ये फिर इसको बचाने के लिए आएंगे। ये सुझाव इनको बहुत पसंद आता है सैंडर्स को, और सैंडर्स इनको एट अ टाइम कैप्टन बना देते हैं कि आप जाइए और आर्कोट पे अटैक कीजिए। बहुत ही दिमाग से रॉबर्ट क्लाइव 200-250 आर्मी मैन के साथ जाते हैं और एक यहाँ के आर्कोट के किले को पे कब्जा कर लेते हैं। जब ये खबर चंदा साहब को पता चलता है तो ये वापस अपनी सेना लेके आते हैं आर्कोट पे, क्योंकि जब कुर्सी खतरे पे आती है तो आदमी पहले सोचता है कि पहले कुर्सी बचाई जाए, इनको तो बाद में देख लिया जाएगा। तो चंदा साहब वापस आते हैं, 53 दिन तक इनको उलझाए रहता है कौन, रॉबर्ट क्लाइव।
53 दिन तक इनको उलझाए रहता है। और फाइनली ब्रिटिश आर्मी जो है मोहम्मद अली को सपोर्ट करती है और मोहम्मद अली यहाँ पे आके लड़ाई होती है आरकोट में और चंदा साहब को वहाँ से भगा दिया जाता है। चंदा साहब भाग जाते हैं एक तरफ से, यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी एक तरफ से आरकोट पे कब्जा तो की ही रहती है, बहुत तेज बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है और ब्रिटिश आर्मी जो है और मोहम्मद अली जो है इस पे कब्जा कर लेते हैं कर्नाटक पे। चंदा साहब यहाँ से भाग जाते हैं और श्रीरंगम एक आइलैंड है आपका वहीं पे, वहाँ पे जाके ये शरण लेते हैं लेकिन मोहम्मद अली फाइनली जाके इनको मार देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये हो गया आपका। इसी बीच फ्रेंच अथॉरिटीज़ को ये लगती है काफ़ी ह्यूज फाइनेंशियल लॉस हो रहा है फ्रांस को इन सब एक्टिविटीज़ में, क्योंकि एक तरफ से ऑफिशियल ट्रीटी तो हो गई रहती है तो फिर बेवजह का फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में आपका एक्स लॉ चैपल की ट्रीटी, तो बेवजह का आप अनऑफिशियली ये सब जो लड़ाई कर रहे हैं इसके चलते जो ह्यूज फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होता है ये फ्रांस की वहाँ के जो अथॉरिटीज़ होते हैं वहाँ के जो गवर्नमेंट वहाँ के जो रूलर होते हैं ये उन्हें पसंद नहीं आता है और वो डुप्लेक्स को वापस बुला लेते हैं, कॉल्ड बैक। और डुप्लेक्स का बाद में वहाँ जाने के बाद उनका वहाँ पे कोर्ट मार्शल भी होता है, वहाँ पे बकायदे केस भी चलता है उनके ऊपर। और इसके बाद घोडियू जो है घोडियू ये आपके गवर्नर जनरल बनते हैं। 1752 में इनको मार दिया जाता है आपको चंदा साहब को। और घोडियू क्या करते हैं फिर से ट्रीटी करते हैं ब्रिटिश कंपनी के साथ कि हम इसके बाद कभी भी इंडिया के इंटरनल मैटर्स में इंटरफियर नहीं करेंगे, आपका इंटरनली जो भी चल रहा है हमारा उसमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों ये हो गया सेकंड कार्नेटिक वॉर, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर एक बार समझ में नहीं आया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आप दोबारा भी इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझाने का कोशिश किया है। तो दोस्तों आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।